हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं बताने वाला हूँ सिसिलियन डिफेंस। लास्ट टाइम हमने देखा था C3 के बारे में, वाइट प्लेस, सेकंड मूव C3, ऑड मूव है सब, लेकिन रेयर ओपनिंग भी कहा जाता है, बहुत कम लोग खेलते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सिसिलियन डिफेंस खेलते हैं तो हमारी ओर से पूरी तरफ से उसकी तैयारी होनी चाहिए कि वाइट के सेकंड मूव के सामने क्या खेलना है। मेन लाइन पे हम बाद में आएंगे, नेटो वेरिएशन जो है, ड्रैगन है, एक्सीलरेटर ड्रैगन है, बहुत सारे मूव्स हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम C3 के बारे में बात कर रहे हैं, E4, C5 और वाइट प्लेस C3। तो लास्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया था, और भी बहुत सारे मूव्स हैं C3 अगेंस्ट खेलने के लिए। तो यहाँ मैं और भी मूव्स आपको बताऊंगा, आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी एक वीडियो में से C3 अगेंस्ट गेम तैयार कीजिए, अपनी लाइन तैयार कीजिए और ब्लैक से काफ़ी बेटर खेलिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक और वेरिएशन है, D5 डायरेक्टली काउंटर प्ले। तो C3 D5, यहाँ पे वाइट सेंटर लेना चाहता है, लेकिन हम तुरंत D5 करके उसका सेंटर ब्रेक कर सकते हैं। तो D5 के सामने वाइट खेलेगा E×D5, और यहाँ आपको खेलना है Qxd5। एक ये भी पॉसिबल कैसे है, क्योंकि ऑलरेडी वाइट ने पॉन C3 पे चलाए, तो Nxc3 नॉट पॉसिबल और क्वीन के ऊपर अर्ली अटैक नहीं होगा, इसलिए हम Qd5 वाली लाइन चूज करते हैं। तो Qd5 के बाद वाइट खेलेगा D4। यहाँ पे ये बहुत ही फेमस है ब्लैक की ओर से, और ये खास मेरी ओर से सजेशन है सबको कि ये लाइन ब्लैक से आप तैयार कीजिए, हाउ टू प्ले अगेंस्ट वाइट। तो जब वाइट C3 मूव करता है तो सिसिलियन खेलने के लिए ये लाइन आप तैयार कीजिए। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट है, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था, लेकिन मेरा सभी वेरिएशन दिखाना जरूरी है। हो सके आपको ये पसंद नहीं है, दूसरा पसंद है, तो आप वो भी चॉइस कर सकते हो। दोस्तों सिसिलियन डिफेंस में बहुत सारे वीडियो बनने वाले हैं, इसलिए आपको कंटिन्यूस देखते रहना पड़ेगा। आफ्टर Qd5 वाइट खेल रहा है D4, यहाँ पे सबसे बेस्ट मूव है Nxc6। Nxc6 के बाद वाइट अगर पॉन टेक्स पॉन लेता है तो यहाँ सिंपल आपको Qxd1 और कैसलिंग ब्रेक कर देना है। Qd1 में Qxd1 और यहाँ E5 करके डायरेक्ट अटैक बिशप ऑन C5। तो E5 के सामने वाइट अगर इसके सपोर्ट करता है B4, तो इसके सामने मैं आपको सजेशन करूंगा ब्रेक कर दो A5 करके। अब A5 के सामने वाइट खेलेगा बिशप B5 और आपके नाइट को पिन करेगा, जैसे कि आप पॉन टेक्स पॉन करोगे तो दूसरा पॉन इधर आ जाएगा। तो बिशप B5 में सिंपल आपको रिप्लाई देना है बिशप D7, उसके बाद वाइट रिप्लाई देगा नाइट F3, काउंटर अटैक ऑन दिस पॉन। यहां आपको सिंपल F6 से उसे सपोर्ट कर देना है बिशप D2। अब वाइट अपने पॉन को एक और सपोर्ट बढ़ाता है, क्योंकि नाइट अनपिन हो चुका है और वो उसका बिशप डेवलप करके पॉन को सपोर्ट कर देगा। यहाँ पे आपको खेलना है Ng7 आफ्टर Nxa3। अब नाइट के लिए कोई अच्छी स्पेस नहीं है निकलने की, तो Nxa3 पॉसिबल मूव है। यहाँ आपको पॉन टेक्स पॉन करना है सिंपल, और रूक टेक्स नाइट की डायरेक्ट थ्रेट देनी है। तो Nxa3 के बाद Nxc4, Nxd6 चेक की थ्रेट है यहाँ पे, और यहाँ आपको B×C3 कर देना है। और ये पोजीशन ब्लैक की फेवर में बता रहा है कंप्यूटर, क्योंकि चेक से ज़्यादा कोई डैमेज नहीं होता है सिंपल। अगर चेक आता है आप किंग मूव कर दो आफ्टर नाइट टेक्स पॉन चेक, और फिर किंग यहाँ पे, अब उसके नाइट पे भी अटैक है और पॉन से बिशप भी मर रहा है, तो सिंपल मटेरियल एडवांटेज भी आपको मिल सकता है अगर उसने दूसरी बार पॉन लेके चेक दिया तो। तो ये वेरिएशन है अगेंस्ट C3। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो वेरिएशन है दोस्तों, यहाँ पे E4 C5 C3 D5 पॉन टेक्स पॉन क्वीन टेक्स पॉन D4, और यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम
मतलब इससे पहले बताया नाइट सी सिक्स, लेकिन एक और भी मूव है नाइट एफ सिक्स। आप डायरेक्टली क्वीन को सपोर्ट करके और डेवलप करके खेल सकते हो। नाइट एफ सिक्स के बारे में भी बहुत सारे गेम्स है, तो ये भी अच्छी मूव है ब्लैक की ओर से। वाइट खेलता है नाइट एफ थ्री, यहाँ पर आपको सिंपल ई सिक्स करना है। ई सिक्स के बाद नाइट ए थ्री, ये मोस्ट कॉमन मूव है क्योंकि नाइट सी थ्री पॉसिबल नहीं है। तो नाइट ए थ्री के सामने आपको सिंपल क्वीन डी एट करना है। क्वीन डी एट, वाइट खेलेगा नाइट सी टू और बिशप ई सेवन, सिंपल डिफेंसिव गेम है। बिशप डी थ्री, यहाँ पे आपको करना है शॉर्ट कैसल। वाइट खेलेगा क्वीन ई टू, एन बी डी सेवन, बिशप एफ फोर, बी सिक्स। यहाँ पे वाइट ज़्यादातर लॉन्ग कैसल करता है इस पोजीशन में, क्योंकि डायरेक्ट एक्स रे अटैक ऑन क्वीन। सिम बिशप बी सेवन, नाइट ई फाइव, क्वीन सी एट, और अब आप भी एक्स रे अटैक ऑन किंग करके खेल सकते हो। तो एक ये भी वेरिएशन है नाइट एफ सिक्स वाला, और डायरेक्ट नाइट एफ सिक्स भी कर सकते हो दोस्तों। और भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि ई फोर, सी फाइव, और वाइट अगर सी थ्री करता है तो आप सीधा एन एफ सिक्स, लाइक आलेखाइन की तरह, आलेखाइन डिफेंस में। तो एन एफ सिक्स में ज़्यादातर वाइट प्लेयर ई फाइव करता है। यहाँ पे आपको खेलना है नाइट डी फाइव, और थोड़ी सी लाइन कन्वर्ट हो जाएगी आलेखाइन डिफेंस में। वाइट खेलेगा जी थ्री, यहाँ पे बहुत सारे मूव्स है दोस्तों, जी थ्री, नाइट एफ थ्री और डी फोर। अब तीनों लाइन में एक साथ आपको बता दूंगा, आपको तैयारी अपने हिसाब से करनी है, वन बाय वन प्रिपरेशन जरूरी है दोस्तों। और लाइन का प्रिपरेशन ऑलवेज गेम खेल के किया करो, ताकि वो लाइन पूरी याद हो जाए आपको। जब भी आप ऑनलाइन गेम खेलोगे कोई भी लाइन से, तो गेम खेल के बुक देख के करोगे तो आपको लाइन एकदम याद रह जाएगी, कभी भी भूलोगे नहीं। लेकिन रट्टा मारोगे, 10 बार खेलोगे बोर्ड के ऊपर यही पोजीशन मूव कर करके, तो कभी याद रहने वाली नहीं। तो इसीलिए मैं खास सजेशन हर बार करता हूँ कि गेम खेल के ही लाइन तैयार करो। वाइट खेलेगा जी थ्री, यहाँ आपको करना है डी सिक्स, ई इंटू डी सिक्स और ई सिक्स। अब यहाँ पे ई सिक्स इसलिए कि हम पॉन से नहीं मारना चाहते, बिशप डेवलप भी हो जाएगा, बिशप टेक्स डी सिक्स होता है। वाइट खेलेगा बिशप जी टू और यहाँ बिशप टेक्स डी सिक्स। आफ्टर नाइट एफ थ्री, ब्लैक से नाइट सी सिक्स, वाइट डी फोर करता है यहाँ पे, तो सी इंटू डी फोर, नाइट टेक्स डी फोर, एक्सचेंज कर लो नाइट टेक्स डी फोर। आफ्टर क्वीन टेक्स डी फोर, क्वीन टेक्स डी फोर जरूरी है, वरना पॉन से मारेगा तो पॉन आइसोलेट हो जाएगा। तो क्वीन डी फोर के सामने सिंपल आपको रिप्लाई देना है शॉर्ट कैसल, और जी सेवन पॉन को सपोर्ट कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइट भी कैसलिंग करेगा यहाँ पे, और ये पोजीशन भी ब्लैक के फेवर में है। आफ्टर क्वीन सी सेवन, यहाँ पे बिशप टेक्स नाइट, अगर वो अपना स्ट्रॉन्ग बिशप देना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल पॉन टेक्स और फिर क्वीन टेक्स, और यहाँ आप अटैक में आ जाओगे तुरंत। अब देखो ये पोजीशन में एक पॉन डाउन है ब्लैक, लेकिन ब्लैक के सारे पीसेस डेवलप है और वाइट के क्वीन साइड के तीनों पीसेस घर के अंदर है, तो इसका बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। दूसरी लाइन देखते हैं दोस्तों, ई फोर, सी फाइव, सी थ्री, एन एफ सिक्स, ई फाइव, नाइट ई फाइव, जी थ्री के बजाय अगर वाइट नाइट एफ थ्री करता है डायरेक्ट सपोर्ट, तो यहाँ आपको रिप्लाई देना है नाइट सी सिक्स से। आफ्टर बिशप सी फोर, नाइट बी सिक्स, अब ई सिक्स जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपको नाइट बी सिक्स करना है, काउंटर प्ले करना है, बिशप बी थ्री,
और यहाँ आप d5 करके उसके बिशप को टोटली बैड बना सकते हो। आफ्टर d5 और जहाँ एक और भी ऑप्शन है बिशप d3 के बाद d5 करके सेंटर कंट्रोल कर सकते हो। तो d5 इंटू d6 एन पासन क्वीन इंटू d6 और फिर आपकी ये थ्रेट जरूरी है। तो क्वीन d6 के बाद वाइट खेलेगा शॉर्ट कैसल और यहाँ c4 इज बेस्ट ऑप्शन। आफ्टर c4 बिशप c2 एक ही जगह है वाइट के लिए और बिशप g4 अब ये पोजीशन काफ़ी ब्लैक के फेवर में है। bg4 के बाद वाइट रिप्लाई देगा रुक e1 और आपको खेलना है नाइट e5। रुक क्रॉस e5 यहाँ सिंपल बिशप टेक्स f3 क्वीन e1 और बिशप d5 सेंट्रलाइज पीस हो जाता है। काफ़ी अच्छी पोजीशन है ब्लैक की और दोनों तरफ चांसेस है। आप शॉर्ट कैसल कर सकते हो लॉन्ग कैसल भी कर सकते हो। ये पोजीशन की ब्लैक की फेवर में है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं आपको बताना चाहूँगा नाइट f6 c3 के बारे में। नाइट f6 तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।